Hello, everybody. Good evening, Chi. Are you guys able to see me, hear me properly? गुड तो आज तो देखिए ओरिएंटेशन है इट्स नॉट एन ऑफिशियल क्लास कि कैसे किस लेवल पे हम काम करेंगे उस पर आज एक शॉर्ट में बात करूंगा आपसे मुझे बताएं कि क्या खोज रहे हैं कि आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया व्हाट आर यू सर्चिंग self understanding i want to get best out of me peace better version of myself mm -hmm. i want to get clarity about who am i my purpose unleash my full potential Learn NLP and apply it to quit smoking and procrastination. Good, self understanding and know myself better. Very good. गुड so, तो देखें आप लोगों को एक असेसमेंट मिला होगा राइट right? कितने लोगों को मिल गया असेसमेंट और उसका रिजल्ट भी मिल गया रिपोर्ट भी मिल गई है ऐसे कितने लोग हैं गुड जिनको नहीं मिला एक बार आप टीम से ले लेना ठीक है असेसमेंट भर के भेजिएगा टीम से कॉन्टेक्ट करके आपकी एक नो पेज की रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट क्या है वो क्या बताती है उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा ताकि आप इंटरप्रेट कर सकें ठीक है तो देखिए कि इस कोर्स में हम थोड़ा डेप्थ में काम करेंगे विल वर्क इन डेप्थ और वो रिपोर्ट आपको समझ में आए उससे पहले कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ वो आप कंसेप्ट समझें आप सभी को यह तो याद होगा कि एक करंट स्टेट टू डिजायर स्टेट का मॉडल मैंने आप लोगों को बताया था याद है आप लोगों को कि हम सभी क्या प्रयास कर रहे हैं वी ऑल आर ट्राइंग टू स्केप अवर करंट स्टेट एंड वी वांट टू मूव टू अवर डिजायर स्टेट तो हम सभी ये प्रयास करते हैं कि हम करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट की तरफ पहुंचे लेकिन एक्चुअल गैप आपका करंट स्टेट से डिजायर स्टेट का नहीं है दिस इज नॉट द that दैट यू टू कवर कि सपोज लोगों को लगता है मैं अभी पांच लाख कमा रहा हूँ और दस लाख कमाने लगूँ तो मेरा गोल पूरा हो जाएगा बट ये एक्चुअल डिस्टेंस फाइव लाख की नहीं है एक्चुअल डिस्टेंस कुछ और है जिसपे आप काम आपको काम करना चाहिए वो डिस्टेंस क्या है देखिए आपकी करंट स्टेट कौन प्रोड्यूस कर रहा है हु इज प्रोड्यूसिंग योर करंट स्टेट आपकी करंट स्टेट प्रोड्यूस कर रहा है आपका करंट सेल्फ लेट अस कॉल इट करंट आइडेंटिटी आपकी जो करंट आइडेंटिटी है ये करंट आइडेंटिटी आपके एनवायरमेंट आपके सरकमस्टें को जिस तरीके से डील करती है जिसके कॉपिंग मैकेनिज्म क्या है उन सब के आधार पे आपकी जो करंट आइडेंटिटी है आपका जो करंट बीइंग है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है आपकी करंट स्टेट को पैदा कर रहा है तो आपकी डिजायर्ड आइडेंटिटी कौन पैदा करेगा आपकी डिजायर्ड आइडेंटिटी से आपकी डिजायर्ड स्टेट पैदा होगी तो आपकी डिजायर्ड स्टेट कौन पैदा करेगा आपकी डिजायर्ड आइडेंटिटी यू कैन कॉल इट लोअर सेल्फ आपका करंट सेल्फ ज्यादातर जिस एरिया में आप स्टक हैं आप अपने लोअर सेल्फ से ऑपरेट कर रहे हैं आप अपने जीवन में उठने वाली घटनाएं दुर्घटनाएं सिचुएशंस एक्सपेक्टेशन इन सबको अपने लोअर सेल्फ से हैंडल करते हैं दैट्स व्हाई इट इज क्रिएटिंग ट्रबल इन स्टकनेस वेयर एज चाहिए कौन आपकी डिजायर्ड आइडेंटिटी यानी आपका हायर सेल्फ चाहिए हायर सेल्फ वो है जिसमें इमोशनल मास्टरी है जिसकी आइडेंटिटी बहुत क्लियर है जो पर्पज ड्रिवन है जिसके पास में एक प्रकार की इमोशनल इंटेलिजेंस है अपनी स्टेट्स को हैंडल कर सकता है राइट right बिलीफ है उसके पास में सपोर्टिव बिलीफ है उसके पास में राइट right कंडीशनिंग है अपनी पुरानी कंडीशनिंग को ओवर कर रहा है राइट हैबिट्स लेके चल रहा है ठीक है पीक परफॉर्मेंस की स्टेट में है तो आपका हायर सेल्फ हमें क्रिएट करना पड़ेगा एंड योर हायर सेल्फ विल ऑटोमेटिकली जनरेट योर यर स्टेट्स चाहे वो किसी भी एरिया में हो चाहे बिजनेस में करियर में रिलेशनशिप में इसलिए जो एक्चुअल गैप है दोस्तों वो एक्चुअल गैप ये है एंड इस गैप को हम खोलते हैं एस आई जी वी कॉल इट एस आई जी एस आई जी का मतलब है सक्सेस आइडेंटिटी गैप ठीक है लोअर सेल्फ से हायर सेल्फ की जो जर्नी है जिस दिन ये डिस्टेंस आपने तय कर दी आपने करंट आइडेंटिटी से अपने आप को डिजायर आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लिया उस दिन आपकी डिजायर स्टेट भी पैदा होने लगेगी ये कुछ इस प्रकार है कि सपोज एक व्यक्ति तीस किलो का है और उसको वेट लिफ्टिंग करनी और हमें उसे कैपेबल बनाना है कि वो डेढ़ किलो वजन उठा सके तो हमें उसे वेट ट्रेनिंग तो देनी है लेकिन साथ में उस तीस किलो के व्यक्ति पे इनफ काम करना है कि वो साठ किलो का हो जाए पहले तो ये जो तीस किलो से साठ किलो उसके वजन को बढ़ाना है ये जो प्रिपरेशन है उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ को जो बिल्ड करने की प्रिपरेशन है वो पहले करनी पड़ेगी किसी भी फैक्ट्री का प्रोडक्शन आप बढ़ा नहीं सकते उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाए बिना तो जब हम अपनी क्षमताओं को ही नहीं बढ़ाएंगे अपने बींग को और ज्यादा हायर सेल्फ की तरफ नहीं लेके जाएंगे तब तक हम इन डिजायर स्टेट्स को पैदा नहीं कर सकते तो क्या वो पैरामीटर्स हैं ये रिपोर्ट अलग अलग तरीके से उन पैरामीटर्स को नापने का प्रयास करती है जो मैं अभी आपको बता देता हूं तो टोटल छह पैरामीटर्स है दोस्तों देर आर टोटल सिक्स पैरामीटर्स जो आपके लोअर सेल्फ और करंट सेल्फ के बीच में एक ऑब्स्टिकल का काम करते हैं आपके लोअर सेल्फ और करंट सेल्फ के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं ये सिक्स पैरामीटर्स हैं जो कि सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं एक एक करके इनको समझते हैं नंबर वन पैरामीटर है एनर्जी आपके करंट सेल्फ और आपके डिजायर्ड सेल्फ या फिर आपके लोअर सेल्फ और आपके हायर सेल्फ के बीच में जो सबसे पहला अंतर पैदा करने वाला पैरामीटर है वो है एनर्जी का पैरामीटर जस्ट सोच के एनर्जी चाहिए आपको अगर अपनी करनी है तो आपको हर रोज अपना दिन जो है टेन लेवल एनर्जी पे जीना है दिस इज द आइडियल स्टेट मुझे सोच करके बताएं व्हाट इज करंट लेवल ऑफ एनर्जी एक से लेके दस के स्केल पे आप अपनी एनर्जी को किस लेवल पे रेट करेंगे हाउ यू विल रेट योर करेंट लेवल ऑफ एनर्जी ऑन स्केल ऑफ वन टू टेन नाइन सेवन सिक्स फोर फाइव सेवन एट सेवन एट फाइव फोर थ्री टेन ऑन टेन फाइव तो आप देखें पहला डिफरेंस पता चला कि आपको इस दुनिया को हर एक दिन को हर एक सुबह दोपहर शाम आपको एक लेवल ऑफ एनर्जी चाहिए अगर आपको डिजायर स्टेट पैदा करनी है तो आपके लोअर सेल्फ में वो लेवल ऑफ एनर्जी ही नहीं है जो एनर्जी डिजायर स्टेट को पैदा कर सके और यहाँ पे आप में से ज्यादातर लोगों ने एनर्जी का मतलब क्या समझा है सिर्फ फिजिकल एनर्जी को एनर्जी मानते हैं लोग कि फिजिकल एनर्जी मतलब कि दिन भर आप कितना एक्टिवली अपनी लाइफ को जी पाते हैं तो सुबह उठ रहे हैं तो आप कितने एक्टिव हैं कितने एनर्जाइज महसूस कर रहे हैं दिन में काम करते समय आप कितने एक्टिव और एनर्जाइज हैं कितनी जल्दी थक रहे हैं कितनी जल्दी वर्नआउट हो रहा है आपको ये सब चीजों को जनरली लोग फिजिकल एनर्जी को लोग एनर्जी मानते हैं बट यहाँ पे मैं जिस एनर्जी की बात कर रहा हूँ सिर्फ फिजिकल एनर्जी नहीं है ये चार चीजों का कंबाइंड इफेक्ट बनके जो आपकी एनर्जी बनती है उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो बेसिकली आपके अंदर चार प्रकार की एनर्जीज हैं जिसमें सबसे कमजोर एनर्जी होती है फिजिकल एनर्जी सबसे फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है फिजिकल एनर्जी की दिन भर आप कितना एनर्जेटिकली अपने जीवन को जी रहे हैं और फिजिकल एनर्जी के सोर्स क्या है अगर आप राइट खाना खाएं राइट एक्सरसाइज करें अच्छे से नींद लें रेस्ट करें ऑक्सीजन अच्छे से लें और हाइड्रेशन प्रॉपर रखें तो यानी कि डाइट हाइड्रेशन ऑक्सीजन

आपकी सफलता को डिफाइन करती तो शायद जो जिम जाते हैं जो योगा कर रहे हैं जो जिमनास्ट हैं, एथलीट्स हैं वही दुनिया को रूल कर रहे होते लेकिन ऐसा तो नहीं है तो यानी सिर्फ फिजिकल एनर्जी टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं करती तो अब आपके पास में एक दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी है सेकेंड लेवल ऑफ एनर्जी है उसे आप कहेंगे साइकोलॉजिकल एनर्जी तो सबसे एक ऐसा समझे कि अनियन की एक लेयर है सबसे बाहरी लेयर बाहरी परत है फिजिकल एनर्जी की परत उस एक परत को हटाएंगे तो अंदर जो दूसरी परत निकलेगी वो परत है वो लेयर है साइकोलॉजिकल एनर्जी की साइकोलॉजिकल एनर्जी का मतलब है दोस्तों योर इनर एनवायरमेंट ऑफ ऑप्टिमिज्म आपकी अंदरूनी दुनिया में कितना पॉजिटिविटी का एनवायरमेंट आपके अंदर रहता है अगर आपके इनर एनवायरमेंट में टॉक्सिसिटी है हर्ट है गिल्ट है ग्रीफ है एंगर है नेगेटिव इमोशंस है नेगेटिव थिंकिंग है नेगेटिव सेल्फ टॉक है पास्ट का कोई ट्रॉमा लेकर के बैठे हैं पास्ट की कोई बैड मेमोरी लेकर के बैठे हैं ये सारी चीजें आपकी साइकोलॉजिकल एनर्जी को डिप्लीट करती हैं और आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को टॉक्सिक बनाती है क्लियर है अगर आपकी साइकोलॉजिकल एनर्जी अच्छी नहीं होगी तो और कुछ अच्छा कर पाने की संभावना ही नहीं है आपके पास में तो जिस तरीके से आप अगर अपने शरीर में गंदा खाना डालें गार्बेज डालें जंक फूड डालें तो आपका शरीर क्या करेगा रिएक्ट करेगा उसमें कभी हो सकता है वोमिट हो हो जाए कभी हो सकता है ब्लोटिंग हो जाए कभी गैस हो जाएगी कभी कोई आ, फूड पॉइजनिंग हो सकती है अलग अलग तरीके से आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी और अगर लगातार बढ़ते रहेंगे तो शायद धीरे धीरे ओबेसिटी आ जाएगी या और कोई बीमारियां कोलेस्ट्रॉल बढ़ना या अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करेगी आपकी बॉडी रिएक्शन देगी सिमिलरली जैसे आपका बॉडी डाइजेशन करता है जब आप इसमें फूड डालते हैं तो वैसे ही आपका ब्रेन भी डाइजेशन प्रोसेस से गुजरता है पर एक सिर्फ इतना है दोनों का खाना अलग अलग है आपके ब्रेन का फूड जानते हैं आप क्या होता है वॉट इज द फूड फॉर योर ब्रेन थॉट हम देखिए थॉट्स फूड नहीं है ठीक है फूड है इन्फॉर्मेशन ठीक है आप अपने सेंसेस से क्या अंदर डाल रहे हैं दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ फूड बाकी सारा फूड उसी से बनता है तो इन्फॉर्मेशन क्या डाल रहे हैं किस प्रकार की किताबें पढ़ रहे हैं किस प्रकार के लोगों के बीच में है कैसे वीडियोस देखते हैं किस प्रकार के लोगों से बातचीत करते हैं किन के साथ अधिक समय बिता रहे हैं किस किस एनवायरमेंट से आप डेटा ले रहे हैं तो आपका जो डेटा अंदर आप फीड कर रहे हैं लगातार सालों से ये डेटा डिसाइड कर रहा है कि आपके कैसे विचार बनेंगे और फिर विचार भी कई बार इनपुट बन जाएंगे आपके और फिर वो और अंदर टॉक्सिसिटी फैला सकते हैं तो जैसे आपके शरीर में इंडाइजेशन होता है और ब्लोटिंग होती है वैसे ही जब आपका ब्रेन इंडाइजेशन से गुजरता है तो फिर आप एक्सपीरियंस करते हैं ओवर वरी नेगेटिव थिंकिंग फिर अलग पचास प्रकार के रिएक्शन आपके ब्रेन में पैदा होना चालू होते हैं जो कि टॉक्सिक हैं और हेल्थ के लिए भी खराब है मा, मानसिक लेवल पे भी और शारीरिक लेवल पे भी तो हमेशा एक इनर एनवायरमेंट ऑफ ऑप्टिमिज्म ये सेकंड लेवल ऑफ एनर्जी है जिसपे हमें कंट्रोल करना होगा कैसे करते हैं क्या करते हैं वो सब सीखेंगे कोर्स में लेकिन अभी जस्ट पैरामीटर्स को समझ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि आप जो शरीर में खाना डालते हैं उस पर आपका बहुत कंट्रोल है लेकिन मन के खाने पर आपका ज्यादा कंट्रोल नहीं है क्योंकि शरीर शरीर में तो क्यों जबरदस्ती आपके मुंह में खाना ठूस के नहीं जाएगा लेकिन माइंड में खाना क्या हो सकता है आप फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं चार लोग आपस में बात कर रहे हैं आपके माइंड में चला जाएगा आप किताबें अच्छी पढ़ रहे हैं आप वीडियो अच्छे देख रहे हैं लेकिन आपके घर में गोसिप चलती है नेगेटिविटी चलती है वो आपके अंदर जा रही है तो दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं आप क्या कंज्यूम कर रहे हो इन्फॉर्मेशन आपको वो भी कंट्रोल करना है और लोग आपके अंदर क्या डाल रहे हैं उसके लिए आपको बाउंड्रीज भी सेट करनी जरूरी है आपको इंसुलेशन एक प्रकार का मेंटल इंसुलेशन तैयार करना है जैसे तार में से करंट बाहर ना निकले उसके लिए उसके बाहर इंसुलेशन लगाया जाता है वैसे आपको भी अपने माइंड को इंसुलेट करना पड़ेगा बाहरी नेगेटिविटी के लिए वो किया जाता है बाय सेटिंग अप द बाउंड्रीज क्योंकि कई बार हमारे आसपास के इतने करीबी लोग टॉक्सिसिटी फैला रहे होते हैं कि जिनसे आप दूर भी नहीं जा सकते और डील करना भी आपको नहीं आता है तो इट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप एंड सेटअप द राइट बाउंड्रीज सो दैट यू कैन इंसुलेट योर एंड क्रिएट बेटर साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट फॉर योर सो सेकेंड फॉर्म है दोस्तों वो है साइकोलॉजिकल एनर्जी अब आए तीसरी परत तीसरी एनर्जी इससे भी ज्यादा पावरफुल है और इनफैक्ट पॉजिटिव साइकोलॉजिकल एनर्जी तभी काम कर सकती है जब वो इस तीसरी एनर्जी का सपोर्ट ले तो थर्ड एनर्जी है बायोकेमिकल एनर्जी तीसरी एनर्जी कौन सी हुई बायोकेमिकल दिस हमारी केमिस्ट्री की वजह से हमारे अंदर एनर्जी पैदा होती है तो बहुत सारे ऐसे न्यूरोकेमिकल्स हैं जो न्यूरोकेमिकल्स का बैलेंस हमारे शरीर में रहना बहुत जरूरी है और वो इनडायरेक्टली हमारे इमोशन और माइंड और हम उनसे कैसे डील करते हैं उसको प्रभावित करते हैं तो अगर न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस आपके अंदर हो गया है तो आप बायोकेमिकली डिप्लीट होने लगेंगे न्यूरोकेमिकल्स क्या है डोपमिन ऑक्सीटोसिन सेरेटोनिन एंडोरफिन ठीक है ऐसे बहुत सारे न्यूरोकेमिकल्स हैं जिनका बैलेंस अगर बॉडी में बिगड़ जाए तो फिर बाद में पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए डिप्रेशन में एक्जैक्टली exactly यही होता है जब बॉडी बनाना बंद कर, देती है, तो वो व्यक्ति भी कर रहा है कुछ जीवन में अच्छी खबरें भी आ रही है तो आप चाहके भी ज्यादा देर तक पॉजिटिव अपने आप को रख ही नहीं पाएंगे पॉजिटिव मेंटल स्टेट्स रखने के लिए उन्हें सस्टेन करने के लिए आपको बायोकेमिकल की फाउंडेशन चाहिए ठीक है तो अगर एक टेबल के चार पहियों में से एक भी पहिया गड़बड़ का है तो टेबल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रह सकती स्टेबल नहीं रह सकती है सो दैट्स इज नीडेड अब ज्यादातर लोग आज की डेट में है। मैं सिम्टम्स कहता हूं आप नोट करें और देखें इसमें से कौन से सिम्टम आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं अगर कर रहे हैं तो इसका सोल्यूशन मैं आज ही दूंगा क्योंकि कोर्स शुरू होने से पहले जरूरी है कि आप इस पे भी साइड बाय साइड स्कोर्स के साथ में काम करते रहे बायोकेमिकली डिप्लीटेड ना हो तो इसके सिम्टम लिखे जब व्यक्ति एक बायोकेमिकल डिप्लीशन से गुजर रहा होता है तो नंबर वन सिस्टम सिम्टम क्या है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत बिगड़ने लगती है वो बहुत ज्यादा महसूस करता है एक चीज से दूसरी चीज पे होप करना उसका अटेंशन एक जगह पे रख पाना उसे बहुत मुश्किल होता है मेमोरी थोड़ी वीक होने लगती है नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिक एंट बोलते हैं इन्हें ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट पता ही नहीं चल रहा कहां से आ रही है बस आ रही है रैंडम थॉट्स आ रहे हैं और अजीब अजीब से विचार चल रहे हैं सुपर नेगेटिव थावर थिंकिंग और वरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है मतलब व्यक्ति बहुत जल्दी इरिटेबल होता है और अपने इस बिहेवियर को नापसंद करता है क्योंकि उसे पता है कि ये मैं नहीं हूं तो उसे वो इरिटेबिलिटी खुद की पसंद नहीं आती लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें उसे ट्रिगर करने लगती हैं उसे इरिटेबल बनाने लगती हैं जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता तो इरिटेबिलिटी आने लगती है डिसइंटरेस्ट अगर लंबे समय तक हो तो डिसइंटरेस्ट पैदा होने लगता है डिसइंटरेस्ट का मतलब चीजें आसपास अच्छी चल रही हैं लेकिन फिर भी आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं शायद कुछ काम जो पहले करते थे अब वो इतना नहीं हो रहा है उन कामों के अंदर उतना पैशन महसूस नहीं होता है तो एक डिसइंटरेस्ट की स्थिति आने लगती है अच्छा एक और चीज आती है कि, कि कई बार आप एक डिसकनेक्शन महसूस करते हैं अपने करंट सेल्फ के साथ में आपको ऐसा लगता है कि जो मेरा प्रीवियस सेल्फ था मैं जो दो साल तीन साल चार साल पहले जो व्यक्ति था वो ज्यादा रिफाइंड व्यक्ति था वो ज्यादा बेटर था उसमें ज़्यादा ज़्यादा पैशन था उसमें शायद दिमाग था लेकिन ये मैं क्या बनता जा रहा हूं तो से एक क्लियर है थी? मुझे चैट बॉक्स में बताएं इसमें से क्या आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी अच्छा है प्रोकेशनेशन बहुत बढ़ता है इसमें थिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑल लेस कॉन्सेंट्रेशन ओवर थिंकिंग एंड वरी ऑलमोस्ट ऑल ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दे ऑनेस्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमने से बहुत से लोग आज की डेट में इनमें से मैक्सिमम सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कई लोगों को लगता है कि कहीं मैं डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा बट एक्चुअली ये डिप्रेशन नहीं है एक्चुअली ज़्यादातर केसेस में ये एक बायोकेमिकल डिप्लीशन है और कुछ भी नहीं है ठीक है और इससे डील करना ईजी है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और आप जल्दी इसको रिवर्स कर सकते हैं तो मैं दो टेस्ट आपको लिख रहा हूँ ये दो टेस्ट आप कर लीजिएगा ठीक है हालांकि ये मेडिकल का टॉपिक है बट मैंने क्यों इसको यहाँ पे पढ़ाया मैं आपको बताऊँगा अभी उसकी स्टोरी एक तो विटामिन डी और एक बी ट्वेल्व ये दो टेस्ट आप कर लीजिएगा विटामिन डी थर्टी से सेवेंटी की रेंज में रहना चाहिए और बी ट्वेल्व थ्री हंड्रेड से सेवन हंड्रेड की रेंज में रखें तो अच्छा है एनीथिंग बिलो दिस पॉइंट ठीक है इज नॉट एडवाइजेबल ठीक है तो विटामिन डी और बी ट्वेल्व आपके आसपास कहीं पे भी हो वहां पे जाके आप टेस्ट करा लें और अगर काफी चांसेस हैं कि ये सिम्टम है तो कम आएगा आपका रेंज जो रेंज जो मैंने बताई थर्टी से नीचे आएगा थ्री हंड्रेड से नीचे आएगा तो ऐसी स्थिति में यू कैन टेक सप्लीमेंट यू कैन स्टार्ट टेकिंग सप्लीमेंट्स एंड यू कैन स्टार्ट रिवर्सिंग योर बायोमिकल डिप्लेशन अब देखिए कोई मेडिटेशन आपके अंदर विटामिन डी पैदा नहीं कर सकता विटामिन डी जब आपकी बॉडी पे सनलाइट पड़ती है तो उसके रिएक्शन में बॉडी विटामिन है आजकल हमारा ऐसा है कि का रहता नहीं है तो ज्यादातर लोग आज स्पेशली कोरोना के बाद मैक्सिमम लोग विटामिन डी के डिप्लेशन के अंदर है तो ये डी और बी का आप टेस्ट करवाएं और टेस्ट करा के अगर कम आता है तो आपके जहां से भी आप करा रहे हैं देविलीमेंट्स ये चार साल पहले की बात है, कि मैं अपने करियर में बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा था सब कुछ बढ़िया चल रहा था ये जो भी सिम्टम बताया मैं खुद एक्सपीरियंस करने लगा था सडनली जिस काम को मैं आठवीं क्लास से कर रहा हूँ सडनली मुझे एक डिस इंटरेस्ट सा लगने लगा उस काम में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जल्दी टायर्ड हो रहा हूँ जल्दी मुझे वर्नआउट हो रहा है पहले तो ऑनलाइन होता नहीं था फिजिकल होता था तो हम दस दस घंटे खड़े रह के लेक्चर डिलीवर करने की कैपेसिटी रहती थी हम में बट सडनली मैंने देखा कि ये कैपेसिटी डाउन हो रही है सडन डाउनफॉल मुझे महसूस हुआ पैशन थोड़ा कम होता दिखा कॉन्सेंट्रेशन कम होती दिखी मेमोरी कम होती दिखी रैंडम थॉट चलना ये सारी चीजें होने लगी और अब मेरे लिए और ज्यादा पेनफुल हो गया ये क्योंकि मैं एक एडवांस लेवल योगा प्रैक्टिशनर एडवांस लेवल मेडिटेशन प्रैक्टिशनर और प्लस एनएलपी के सभी टेक्निक्स खुद पे अप्लाई करने वाला व्यक्ति तो अब मुझे ही समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया तो मैं इवन ज्यादा प्रोग्राम करने से भी कतराने लगा क्योंकि मुझे वो कन्विक्शन ही नहीं आ रहा था अपनी बात पे कि भाई मैं खुद इससे गुजर रहा हूँ तो मैं कैसे किसी को बाहर निकालने की बात करूँ इसमें से और मेरा पूरा अंदरूनी मॉडल ऐसा लग रहा था कि बिखर गया है क्योंकि योगा मेडिटेशन एनएलपी ये तीन तीन चीजें साथ में होते हुए इन चीजों का आना तो मुझे लगा कि ये क्या हो गया इतनी सिंपल सी बात थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने कभी बायो केमिस्ट्री वर्ड भी यूज नहीं किया था कि बायो हैकिंग क्या होती है बायो केमिस्ट्री क्या होती है इसके बारे में कोई डिटेलिंग कोई जानकारी मुझे थी नहीं तो लगभग छह सात महीने में, में लगातार इन से गुजरता रहा और उसके बाद में वाया 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 मेरी एक स्टूडेंट मेरे काफी सारे डॉक्टर स्टूडेंट्स हैं तो ऐसे कई मेरे दोस्तों से मिलते मिलते स्टूडेंट्स से बात करी तो देन दे सम ऑफ देम सजेस्टेड और ये डी और बी ट्वेल्व मैंने उस समय टेस्ट कराया और भी चीज़ें होती है लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है तो मेरा डी तीन पे था थ्री पे था थर्टी से नीचे डेफिशिएंट मानते हैं और दस से नीचे तो मतलब बहुत ही डेंजर है तो मेरे डॉक्टर मुझे कहते हैं कि भैया अगर ज़्यादा लंबे समय तक इतना डिप्लीशन में रहो तो ऑल्जाइमर आने के चांसेस रहते हैं आपकी मेमोरी में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल रहता है एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगते हैं और भूलते हैं मर जाते हैं इतनी डेंजरस स्थिति में मैं पहुंच गया था और अब मुझे समझ में आने लगा कि क्योंकि ये मेडिटेशन योगा एन सब चल रहा था तो जो सिम्टम दस या ग्यारह पे आते हैं मुझे तीन तक गया तब जाकर के वो सिम्टम ग्रो होने लगे बाकी मेरी बाकी प्रैक्टिस उन सिम्टम को दबाने का प्रयास कर रही थी तो देन आई

ज्यादा कंसिस्टेंसी वक्सपीरियंस कर रहे बहुत चेंजेस लोगों में आने लगे क्लियर है जी? तो ये आप जब भी मौका मिले? कोशिश करें जब भी आपको समय मिले इसको आप करवा लें कईयों ने हो सकता है ऑलरेडी करवा के भी रखे हो अगर ये सिम्टम है तो हंड्रेड परसेंट आप डिप्लीशन में होंगे हंड्रेड परसेंट आपका जो नंबर आया होगा वो बहुत ही लो नंबर आया होगा सेम पेज लिखें अगर ये पॉइंट क्लियर है तो, तो ये बायोकेमिकल एनर्जी बहुत जरूरी एनर्जी है ठीक है ये एनर्जी आप किसी मेडिटेशन से क्रिएट नहीं कर पाएंगे ठीक है तो यू वी हैव टू सप्लाई this फॉर एनर्जी लिखें अब चौथी सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जी सबसे कम दिखती है सिर्फ महसूस होती है ज्यादातर दिखने में कम लगेगी महसूस ज्यादा होगी तो चौथी एनर्जी है दोस्तों आध्यात्मिक ऊर्जा या फिर स्पिरिचुअल एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी इन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी आपको लोगों से कनेक्ट करने में बहुत मदद करती है आपके अंदर मेंटल क्लैरिटी विजडम पैदा करती है तो आध्यात्मिक ऊर्जा एक बहुत बड़ा सोर्स है इन्फ्लुएंस का पर्पस ड्रिवन लाइफ का और एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी में अपने जीवन को जी पाने का तो चौथी एनर्जी होती है आध्यात्मिक ऊर्जा देखिये फिजिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की तरह है, जो मोशन से आती है मूवमेंट से आती है स्पिरिचुअल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की तरह जो स्टिलनेस से आती है जितना आप अंदर से स्टिल हो जाएंगे स्थिर होंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का फ्लो बढ़ने लगेगा तो आध्यात्मिक ऊर्जा अनफॉर्चुनेटली किसी सप्लीमेंट से नहीं बढ़ाई जा सकती ठीक है आप किसी ब्लड टेस्ट के अंदर नहीं नाप सकते कि मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा कम आई है और अब आप सुबह शाम ये गोलियां ले लें खाने से पहले खाने के बाद आप और ज्यादा आध्यात्मिक होने लगेंगे तो ऐसा कोई सोर्स है नहीं दो ही तरीके से आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इम्प्रूव कर सकते हैं एक होती है साधना कि आप एक आ, एट स्टेप के एनलाइटनमेंट प्रोसेस से गुजरे तब आप कर सकते हैं बट आई एम श्योर यहाँ पे कोई एनलाइटनमेंट ढूंढने तो आया नहीं है आप तो ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अच्छा करें अपने करियर में अच्छा करें बिजनेस में अच्छा करें राइट right? तो वो रास्ता तो बंद हो गया तो उस रास्ते पे तो हम नहीं चल सकते हैं। तो दूसरा रास्ता बचता है दूसरा रास्ता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी आप में एक्टिवेट होती है जब आप एक पर्पज ड्रिवन लाइफ जीते हैं भले ही पर्पज अभी मिला नहीं कि क्या है मगर एक डीप सेंस है अंदर दैट माई लाइफ इज अ पर्पज एंड आई वॉन्ट टू लिव पर्पजफुली तो जितना ज्यादा एक पर्पज ओरिएटेड लाइफ व्यक्ति जीता है उतना ज्यादा उसके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का फ्लो बढ़ने लगता है

जो मेरा बहुत ही बेस्ट सेलिंग कोर्स है वो है स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए फाइव ए एम क्लब ठीक है तो ये आप लोगों को फ्री में बोनस दिया है मैंने ये थर्टीन मेडिटेशन का कोर्स है तो जब भी आपको मौका मिले ये इसकी एक्सेस आपको लाइफ टाइम है फेसबुक कम्युनिटी पे है ये मेरे और इसकी एक्सेस आपको लाइफ टाइम रहेगी लेकिन जब भी आप करेंगे ये तेरह दिन लगातार चलता है ये मेडिटेशन हमने जब पहली बार लाइव किया था तो पाँच बजे किया था इसलिए इसका नाम फाइव एम रखा हमने लेकिन इसको आप अभी रिकॉर्डेड वर्जन आपको दिया गया है तो आप कभी भी कर सकते हो लेकिन इतना ख्याल रखना जब भी आप करते हो ये रोज का एक मेडिटेशन करना है तो तेरा दिन में टोटल तेरह मेडिटेशन होंगे तो जब भी आपके पास में समय है ऐसे समय में उसे करना चालू कीजिएगा लेकिन जब भी करो लगातार तेरह दिन करना है उसमें ब्रेक लेके नहीं करना है ठीक है ज्यादा लंबे नहीं है लगभग फोर्टी फाइव मिनट से वन आवर के मेडिटेशन से जिसमें पहला थर्टी मिनट डिस्कोर्स है एक यानी कि मेडिटेशन के लिए आपको कांटेक्ट सेट किया जाता है आपको प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद में मेरी गाइडेड वे में आंख बंद करके आपको मेडिटेशन करने ठीक है हर एक मेडिटेशन के बाद आप अपने अंदर एक बहुत डीप चेंज एक्सपीरियंस करेंगे आफ्टर एवरी मेडिटेशन थ्रू आउट द डे यू विल फील इट आपको महसूस होगा ठीक है सो so पहले उस डिस्कोर्स को सुने एंड देन हेडफोन्स लगा करके साइलेंट प्लेस पे उस मेडिटेशन को करें ये तेरा मेडिटेशन बहुत पावरफुली आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करेंगे ठीक है तो ये आप कभी भी कर लीजिएगा कोर्स के साथ भी आप कर सकते हो बाद में भी कर सकते हो कल से भी शुरू कर सकते हो जैसा आपको आ, समय मिले उस हिसाब से आप कर सकते हो डन तो ये पहला पैरामीटर था टोटल छह पैरामीटर है ना जिसमें पहला पैरामीटर क्या है एनर्जी तो जो आपका हायर सेल्फ है वो स्पिरिचुअल एनर्जी में भी हाई है वो फिजिकल में भी हाई है वो बायोकेमिकली भी हाई है और वो साइकोलॉजिकली भी हाई है। तो अब आप डिफरेंस देख पा रहे हो, आपका हायर सेल्फ कहां पे होना चाहिए और अभी जो करंट सेल्फ है वो कहां पे? तो कई बार आपकी ड्रीम स्टेट आपका हायर सेल्फ आपको क्रिएट करके देगा तो आप सपना तो हायर स्टेट से देख रहे हैं लेकिन जी रहे हैं लोअर स्टे लोअर सेल से तो कैसे काम होगा काम तो होगा ही नहीं सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन रहेगी सिर्फ ये ख्याल रहेगा कि इतना कुछ तो करता हूँ फिर होता क्यों नहीं है मेरे साथ ऐसा क्यों होता है मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा मैं क्यों नहीं वो कर सकता मुझे क्यों यहाँ से करना है मुझे क्यों क्लैरिटी नहीं है ये सारी चीजें चलती रहेंगी सो so, ये फर्स्ट एलिमेंट है एनर्जी अब देखें दूसरा एलिमेंट

मुझे बताएं अगर एक से लेकर दस में आपके हायर सेल्फ का दस होना चाहिए डिजायर स्टेट तक पहुंचने के लिए तो व्हाट इज द फोकस ऑफ योर करंट स्टेट आपका करंट स्टेट में फोकस लेवल क्या है एक से लेकर दस की स्केल में अपने आप को रेट करें कोई फॉर्मूला नहीं है इसका बट आप डीप डाउन जानते हैं एक रेटिंग आप अपने आप को दे सकते हैं अप्रोक्सीमेट रेटिंग चार तीन आठ पांच सात तीन अगेन देखा आपने हायर सेल्फ तो दस लेवल फोकस पे जीना चाहिए आप करेंटली किस पे जी रहे हो दो पे आठ पे सात पे तो आप ज्यादातर अपने रिजल्ट भी देखोगे ना कि जो आपको चाहिए जिसका तीन फोकस है लगभग वो देखेगा कि जो से चाहिए थर्टी परसेंट ही रिजल्ट है वो जो सेवेंटी वाला है वो नेट देखोगे तो उतना ही परसेंटेज का गैप भी आप देखोगे अपने रिजल्ट और अपनी करंट स्थिति के बीच पे. तो फोकस बहुत ज्यादा रिडक रिड्यूस हो चुका है आज की डेट में मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड जनरेशन एवर टू वॉक ऑन दिस प्लेनेट मतलब इस पृथ्वी पे हमसे ज्यादा डिस्ट्रेक्टेड मानव कभी पैदा नहीं हुआ क्यों क्योंकि हम अपने आस पास पूरे औजार और सामान लेके चलते हैं डिस्ट्रैक्ट होने के आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन की जो सुरीली आवाज है वो सुरीली आवाज़ कानों में पड़ते ही ऐसा लगता है कि बाकी जो भी कर रहे हैं उसको छोड़ के तुरंत जरा देख लें कि क्या हो गया नोटिस किया आपने आप कितना ही इम्पोर्टेंट काम क्यों ना कर रहा हो अगर फोन बच जाए या फिर वो नोटिफिकेशन आ जाए कुछ तो एक बार का तो डिस्ट्रैक्ट हो ही जाओगे मन में चलेगा किसका था क्या था अब जब तक उसे देख ना लो तब तक मजा ही नहीं आता कई लोग तो क्लास चल रही होती है फोकस की फोकस तो मैं डिटेल पे पूरी क्लास लूंगा मैं देखता हूँ फोकस की क्लास चल रही है और फोकस की क्लास में फोन पे बात भी कर रहे हैं पढ़ते पढ़ते ऐसी कौन सी बात इंपॉर्टेंट हो गई है जो फोकस की क्लास में बीच में फोन उठा करके आपको करने की जरूरत पड़ गई है कोई सीधा ही मोदी साहब का कॉल तो आ नहीं गया होगा ठीक है ना इलोन मस्क आ गया होगा लेकिन फिर भी उठाना है क्यों क्योंकि हेबिचुअल है मैक्सिमम पॉपुलेशन आज भारत की रात को सोते समय लास्ट काम करती है मोबाइल देखना और सुबह उठते ही पहला काम करती है मोबाइल देखना उठते ही मोबाइल में झांकेंगे कि दुनिया एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं करी जरा इंस्टाग्राम की खिड़की से फेसबुक यूट्यूब की खिड़की से देख लू जरा कि दुनिया है कि नहीं है कहीं ऐसा तो ना हुआ कि मैं सोता ही रह गया आज हमने ऐसा एनवायरमेंट बनाया है दैट दिस एनवायरमेंट इज फुल ऑफ ट्रिगर्स ये पूरा एनवायरमेंट ट्रिगर से भरा पड़ा है और सारे ट्रिगर्स कहीं ना कहीं अलग-अलग तरीके से आपकी अटेंशन को कैच करना चाहते हैं दे वांट टू ग्रैब योर अटेंशन क्यों क्योंकि मुझे बताएं गूगल का प्रोडक्ट क्या है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ गूगल आपसे तो कुछ पैसे नहीं लेते गूगल फेसबुक इंस्टाग्राम आपसे तो कुछ नहीं ले रहे तो फिर इनका एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है इनका एक्चुअल प्रोडक्ट पता है क्या है योर अटेंशन आपकी अटेंशन है दे कैच योर अटेंशन एंड दे सेल इट टू तो योर अटेंशन दे आर अर्निंग थ्रू योर अटेंशन तो आपकी अटेंशन अगर इतनी एक्सपेंसिव है आप उसे सोच समझ करके इस्तेमाल क्यों नहीं करते है? आज स्थिति में रहते हैं। करना है। फोन खोलते ही तुरंत लगता है कि चलो थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेता हूँ या फिर कोई लाल नोटिफिकेशन दिख गया तो चलो पहले जाके ये देख लेता हूँ या व्हाट्सऐप का नोटिफिकेशन मिल गया तो वहां चला जाता है उस नोटिफिकेशन पे दोस्त ने एक लिंक भेज दिया था अच्छी सी रील का वहां से लिंक से रील देखने चला गया रील पे जाकर के कमेंट पढ़ रहा है कमेंट के अंदर अपने बिलीफ से अलग बात होगी तो वहां जाके कमेंट में लड़ने लग रहा है वहां पे किसी बंदे ने दूसरा कोई ट्विटर का लिंक दे दिया वहां से अब ट्विटर पे चला जा रहा है फिर किसी ने को यूट्यूब डाल दिया तो वहां पे चला गया अपनी वॉल पे शेयर कर दिया अब लोग कमेंट कर रहे हैं तो जाके उनपे थैंक यू लिख रहा है मतलब थोड़ी देर बाद तो उसको याद ही नहीं आ रहा कि मैंने शुरू किस लिए किया था और पहुंच कहाँ गया मैं मैक्सिमम लोग फोन खोलने के बीस मिनट बाद कहाँ होते हैं उन्हें खुद नहीं पता कि मैं यहां तक पहुंचा कैसे शुरू तो मैंने कहीं और से किया था अभी यहाँ कैसे पहुंच गया This is called browser blackout. एक प्रकार के डिसऑर्डर्स हैं जो अब आने लगे हैं लोगों के अंदर ठीक है सो योर अटेंशन इज एक्सपेंसिव यूज इट वाइजली ठीक है कैसे करते हैं वो सब सीखेंगे कोर्स में तो आपका सेकेंड बहुत हायर सेल्फ जो है हाई लेवल फोकस पर एक्ट फिर चाहे आप इससे अच्छे रिश्ते बनाओ इससे अच्छा बिजनेस बनाओ इससे अच्छी सेल करो या फिर अपने माइंड को मास्टर करो फिर करना है जो करो आप एक बार आपने अपनी फोकस मसल को डेवलप किया तो देन वो फोकस मसल हर एरिया में आपको मदद कर सकती है ठीक है जी तीसरा एलिमेंट लिखे थर्ड एलिमेंट अच्छा थर्ड एलिमेंट लिखने से पहले एक पजल देता हूं आपको सपोज आपको अहमदाबाद से बड़ोडा जाना है आपके पास में फरारी गाड़ी है जो फोर हंड्रेड किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जा सकती है शानदार सा एक्सप्रेस वे बना हुआ है बिल्कुल बिल्कुल। कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है सौ किलोमीटर की डिस्टेंस है बस पहुंचने को बीस मिनट में पहुंच सकते हो अच्छा आपको ड्राइवर भी दिया है माइकल चोमाकर ठीक है मतलब के रेसिंग की दुनिया का सचिन तेंदुलकर समझ लें जो रेसिंग कार रेसिंग वगैरह नहीं समझते उनके लिए तो माइकल शुमा कर आपको दे दिया ठीक है लेकिन आप आइडियली बीस मिनट में पहुंच जाने चाहिए थे लेकिन गाड़ी दो घंटे से चल रही है तीन घंटे से चल रही है लेकिन अभी भी पहुंच नहीं पाए क्या लगता है क्यों नहीं पहुंच पाए क्या हो सकता है क्यों नहीं पहुंच पा रहे तीन घंटे से चल रहे हैं लगा तो था बीस मिनट में पहुंच जाएंगे कैपेसिटी तो बीस मिनट में पहुंचने की है गाड़ी शानदार लग रही है ड्राइवर शानदार है फिर क्या दिक्कत है अच्छा ट्रैफिक है ही नहीं पूरा खाली रोड है नो no ट्रैफिक। कार अब फरारी देती अब और क्या इशू आएगा शानदार गाड़ी है बिल्कुल डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है मतलब दिशा जीपीएस लगा हुआ है बिल्कुल रूट क्लियर है दिमाग में पेट्रोल भी पूरा है चुका मार में चुमा कर में कुछ प्रॉब्लम है मोटिवेशन नहीं फुली मोटिवेटेड है स्टार्ट भी कर लिए गाड़ी चला भी रहा है ऐसी बात नहीं है आप भी हैं कार के अंदर एड्रेस लोकेशन बिल्कुल क्लियर है नॉट रनिंग हाँ तो वो तो नहीं कर रही होगी ना तभी तो नहीं पहुंच रहा वही तो कारण पूछ रहे हैं कहीं बैठ के चाय पी रहा है द्रुपद रात को नौ बजे चाय का मन कैसे आ रहा है आपका वी डोंट नो वेयर टू गो हमें पता ही नहीं पूरा भी पूरा है पंचर भी नहीं है चलिए बिल्कुल शानदार गाड़ी है कोई पंचर वंचर कुछ नहीं है स्टेयरिंग कैसे घुमाना है समझ नहीं आ रहा मतलब शुमागर को समझ नहीं आ रहा कि स्टेयरिंग कैसे घुमानी है बहुत बढ़िया अब कुछ सही है गाड़ी शानदार ड्राइवर शानदार रोड शानदार पता भी है कि कहाँ जाना है सिर्फ एक गड़बड़ है ओनली वन प्रॉब्लम पूरे रास्ते में बहुत घना कोहरा जम गया है और जिस कोहरे की वजह से दस मीटर से ज्यादा दिखाई नहीं देता ठीक है तो अगला पॉइंट लिखें तीसरा एलिमेंट है क्लैरिटी द थर्ड एलिमेंट बिटवीन योर लोअर सेल्फ एंड हायर सेल्फ

तीनों की क्लैरिटी इसलिए आपने देखा कई लोग होते हैं हैं सुपर टैलेंटेड है, स्किल है सब कुछ है सिर्फ एक चीज मिसिंग है उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही और जैसे ही इनको क्लैरिटी मिल जाती है धूम मचा देते हैं जिन्हें कई लोग कहते हैं कि वो क्या स्टोरी बन गई इसकी इसका बेस्ट एग्जाम्पल मिलता है रिसेंटली आपने ट्वेल्थ फेल मूवी देखी हो तो ट्वेल्थ फेल में देखी वो लड़का चीटिंग कर रहा है ज्यादा कोई पढ़ाई नहीं कर रहा कुछ नहीं कर रहा तो फिर एकदम से क्या हुआ कि उसकी आई क्यू बढ़ गया उसकी रीजनिंग बढ़ गई क्या हो गया कि उसने आई एस क्लियर कर लिया उसको क्लैरिटी मिल गई कि उसको क्या करना है लाइफ में तो आप अपने आसपास भी देखेंगे कई ऐसे मैंने बच्चे देखे जो दसवीं तक सेकंड डिवीजन आ रहे थे लेकिन इलेवेंथ ट्वेल्थ के अंदर आकर के कोई पिताजी की डेथ हो गई या कोई ऐसी ट्रेजिडी आ गई कि जिम्मेदारी आ गई और वो बच्चा आई आई टी क्रैक करके चला गया आस के लोग हैरान है ऐसा नहीं है कि उसके पास टैलेंट नहीं था कहीं ना कहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास में टैलेंट है स्किल है सब कुछ है वो एक ही एलिमेंट लैक कर रहे हैं और किसी ने अगर वो एलिमेंट उनका सुधार दिया तो फिर ये फास्ट ट्रैक कर देते हैं अपनी सक्सेस को जिसे कई लोग ओवरनाइट सक्सेस कहते हैं कि ये इतना जल्दी कैसे इसको सक्सेस मिल गई नहीं उसने काम ऑलरेडी किया हुआ था इट जस्ट दैट दैट ही वॉज नॉट है क्लैरिटी एंड वंस ही गॉट द क्लैरिटी दैट पोर्सन विल अचीव ठीक है तो थर्ड एलिमेंट बेहद इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी लाइफ का क्लैरिटी का कि हम, में हमें क्लैरिटी तो है आप देखेंगे कि उतना बढ़िया आप उस एरिया में ग्रो करेंगे और फुलफिल्ड रहेंगे ठीक है तो कई लोगों की क्लैरिटी पता क्या है कहां जाना है ये नहीं पता बस इतना पता लगा कि यहां पे नहीं रहना तो बहुत से लोगों की क्लैरिटी अभी बिगिनिंग बिगिनिंग हो रही है लेवल पे नौकरी छोड़नी है छोड़ के करना क्या ये नहीं, पता, मगर ये इस के साथ नहीं रहना रिश्ते में, में नहीं रहना तो क्लैरिटी मिली है कि करंट स्टेट में नहीं रहना डिजायर स्टेट क्या वो पता नहीं चल रही मगर यहां पे तो नहीं रहना बल्कि कुछ भी हो जाए क्लियर है तीसरा एलिमेंट अब लिखें फोर्थ एलिमेंट अगर थर्ड एलिमेंट हो क्लैरिटी फोर्थ एलिमेंट होता है दोस्तों ड्राइव हाउ मच ड्रीवन यू आर आप कितने ज्यादा ड्रीवन व्यक्ति हैं ड्राइव का मतलब है दोस्तों हंगर मुझे बताइए अगर आपका डिजायर्ड स्टेट के लिए आपको दस लेवल का हंगरी होना पड़ेगा उसे पाने के लिए वॉट इज येंट स्टेट ऑफ हंगर आप जो भी गोल पूरा करना चाहते हैं उस गोल के लिए उस गोल के प्रति आप कितने हंगरी हैं एक से दस पे सिर्फ विशुल थिंकिंग एक है कि काश हो जाए नहीं सही में हो जाए अच्छा डिजायर और हंगर में अंतर है आप सिर्फ डिजायर रखते हैं वो हंगर नहीं है हंगर होती भूख की तरह है। डिजायर क्या है कि मैं बर्गर खाना चाहता हूँ पिज्जा खाना चाहता हूँ ये डिजायर है भूख क्या है कि जब एक बार भूख एक्टिवेट हो गई तो फिर जो मिल गया वो खा गए वो होती है भूख आप जब तक सुविधाएं रहेंगी आप डिजायर स्टेट में रहेंगे डिजायर करेंगे लेकिन अगर आपको जंगल में छोड़ दें तो जब आप जंगल में नहीं है शहर में है तो आप कहेंगे कि मुझे प्रोटीन चाहिए मुझे ये चाहिए आप कहेंगे मुझे वेजिटेरियन चाहिए मुझे ये फूड चाहिए सात बजे से पहले चाहिए सब कहेंगे आप लेकिन अगर आपको जंगल में छोड़ दिया जाए तो पहले सात आठ दिनों में आपका सारा मानवीकरण साइड में हो जाएगा और सिर्फ भूख एक्सपीरियंस करेंगे आप डिजायर हट जाएगी ओनली हंगर यू विल एक्सपीरियंस फिर आपको वेज नॉन वेज शाम को रात को कच्चा पक्का कुछ दिमाग में चलेगा नहीं आपके यू विल जस्ट वॉन्ट टू ईट और जिनका ड्राइव लेवल बहुत हाई होता है ये लोग भले ही फेल हो रहे हो अपनी ड्राइव चेक करने का आसान तरीका क्या है दे आर ऑलवेज एक्शन टेकर एक ड्रिवन व्यक्ति रोज एक्शन ले रहा है हार्ड वर्क कर रहा है मेहनत कर रहा है रिजल्ट नहीं मिल रहा लेकिन फिर भी गिव अप नहीं कर रहा और लगा पड़ा है लगा पड़ा व्यक्ति ड्राइव वाला होता है उसकी ड्राइव हाई है

You are not giving up. That is called being hungry. ठीक है हंगर बढ़ानी जरूरी है ठीक है पांचवा एलिमेंट देखें. जो बहुत फर्क डालता है वो है मोमेंटम काज मोमेंटम मोमेंटम मतलब हर रोज इस एहसास में जीना कि मैं एक स्टेप क्लोजर हूं अपने गोल के मोमेंटम का बिल्कुल अपोजिट होता है स्टकनेस कि कितना भी एफर्ट लगा लू मेरी जिंदगी कहीं पहुंचती नहीं है तो आप मोमेंटम में अपनी लाइफ को जी रहे हो या स्टकनेस में जी रहे हो वॉट इज योर लेवल ऑफ मोमेंटम ऑन स्केल ऑफ वन टू टेन वन मींस स्टक टेन मीन हाई मोमेंटम एक से लेकर दस पे वॉट इज योर लेवल ऑफ मोमेंटम आप मोमेंटम की तरफ हो या स्टकनेस की तरफ हो तो मोमेंटम हमें क्रिएट करना होगा इस कोर्स में हम बहुत मोमेंटम क्रिएट करेंगे आप देखिएगा लॉट्स ऑफ मोमेंटम विल एक्सपीरियंस मोमेंटम और मोटिवेशन में अंतर है ठीक है मोमेंटम इज यूर गेटिंग क्लोजर मोटिवेशन इज जस्ट पॉजिटिव स्टेट छठा देखें छठा पॉइंट है दोस्तों पर्पस क्लैरिटी ऑफ पर्पस अपना पर्पस का सेंस होना और पर्पस को ढूंढ पाना ये छठा एलिमेंट होता है मोमेंटम किसी ने वापिस पूछा मोमेंटम का मतलब है दैट एवरी डे यू आर लिविंग इन अ सेंस दैट यू आर मूविंग वन स्टेप क्लोजर टू योर गोल्स So, जो भी आप एफर्ट्स लगा रहे हैं आप कुछ ना कुछ स्टेप अपने आउटकम की तरफ मूव कर रहे हैं तो आप मोमेंटम में रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर ठीक है और स्ट्रकनेस में क्या होता है कि मैं कुछ भी एफर्ट लगा रहा हूँ बट माई लाइफ इज नॉट मूविंग द उसका स्ट्रकनेस होती है तो so, जैसे सुबह उठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं यू आर फीलिंग द मोमेंटम ठीक है बिजनेस डील्स कर रहे हैं सेल्स कॉल कर रहे हैं यू फील द मोमेंटम ठीक है स्टकनेस क्या है

कुछ काम भी कर पाते हैं ये जितना ज्यादा पर्पज क्लियर होता है उतना ज्यादा आपके अंदर से हायर सेल्फ और एक्टिवेट होता है आप नोटिस करेंगे जितने भी महान व्यक्ति हुए उन महान व्यक्तियों की लाइफ शुरुआती एज में देखिएगा आप जैसे महात्मा गांधी महात्मा गांधी को आप पहले अठारह साल का जो यंग मोहनदास करमचंद था उसको पहले अठारह साल के बच्चे को उसको स्टडी करें आप वो वो सब कुछ कर रहा था जो एक रेगुलर टीनेजर करता है तो कब एक मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी कब बन गया तब बन गया जिस दिन पर्पज हाथ लग गया क्लियर है तो पर्पज में इतनी पावर है कि आपको ट्रांसफॉर्म कर देती है एक रेगुलर एवरेज ह्यूमन बीइंग से एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंस्पायरिंग ह्यूमन बीइंग में टर्न कर देती है सिर्फ एक पर्पज मिल जाने से आप कैलाश सितार्थी जिन्हें नोबेल प्राइज मिला चाइल्ड ट्राफिकिंग से अस्सी हजार से ज्यादा बच्चों को उन्होंने बचाया ठीक है रेगुलर व्यक्ति लेकिन एक पर्पज मिला चेंज हो गया मलाला यूसुफ जाई देखे जिन्होंने तालिबान ने चाइल्ड एजुकेशन पे बैंड लगा रहे थे उनके गोली सर के आर पार निकल गई बच गई सी डिसाइडेड कि अगर मुझे जिंदा रखा गया है तो मेरी लाइफ का गड़फर्ज है हम कई बार हमारी आ, सिंपल सी सोसाइटी में होने वाले अन्याय से नहीं लड़ पाते ठीक है उसके अंदर हिम्मत आ गई कि वो किसी टेररिस्ट ग्रुप से लड़ गई कहां से हिम्मत आ जाती है पर्पज से आ जाती है पर्पज से करेज आ जाता है पर्पज से ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है तो जितना ज्यादा आप अपने पर्पज की क्लैरिटी डेवलप करने लगेंगे और इसका पहला स्टेप ये होता है कि पहले ये मान्यता रखना कि मैं सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं हूं यहाँ पे मेरा एम सिर्फ रोजी रोटी कमाना नहीं है रोजी रोटी कमा के अपने बच्चे को बड़ा करना ही अगर मेरा एम है तो मेरे में और उस चिड़िया में कोई अंतर नहीं है एक चिड़िया भी रोज अपने घोंसले से सुबह निकल जाती है और शाम को लौटती है तो अपने बच्चों के लिए दाना लेके लौटती है और वो भी अपने बच्चे को एजुकेट कर देती है दाना ढूंढने के लिए और उड़ने के लिए उसमें और आप में सिर्फ एक पर्पज का अंतर है क्लियर है जी तो ये छः एलिमेंट है दोस्तों जो ये रिपोर्ट आपकी मेजर करती है इसके मेजरमेंट के आधार पे आपकी आइडेंटिटी टाइप को वो फाइंड करती है कि आप एक सोल्जर हैं सर्वाइवर हैं सुपर हीरो हैं या फिर एक वॉरियर हैं तो इन सब पैरामीटर्स के कैलकुलेशन के आधार पे आपका जो टाइप है आपकी करंट आइडेंटिटी क्या है उसको कैटेगराइज किया जाता है और आप देखेंगे कि सबसे लोवेस्ट होती है सर्वाइवर उसके बाद होती है सोल्जर उसके बाद में होती है वॉरियर और सबसे टॉप पे होता है सुपर हीरो ठीक है तो इस कोर्स के साथ साथ जब आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ट्रांजिशन सुपर हीरो की तरफ होगा आपकी आइडेंटिटी टाइप इस कोर्स के दो महीने बाद वापस ये टेस्ट करेंगे और जब आप वापस टेस्ट लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी रिपोर्ट अलग निकलेगी तो हम सिर्फ सीखेंगे नहीं हम मेजर भी करेंगे ताकि आपको पता लगे आप फील तो कर ही पाएंगे आपके आसपास के लोग भी फील कर पाएंगे आप में जो चेंजेस आएंगे लोग मुझे बार बार आके कहते हैं कि आसपास के लोग कह रहे हैं भाई क्या कर रहा है क्या सीख रहा है ये हंड्रेड परसेंट होगा अगर आप हर क्लास लाइव अटेंड करोगे हर क्लास में जो मैं बता रहा हूँ उसे अप्लाई करोगे आप देखोगे एक डेढ़ महीने में ही लोग आसपास के पूछेंगे ही पूछेंगे कि वट आर यू डूइंग कुछ कर रहा है क्या ऐसा शांत कैसे हो गया है ये ऐसा मिच्योर कैसे लग रहा है ये कैसे लग रहा है बहुत चेंजेस आपके घर वाले भी करेंगे नोटिस और आपके आसपास वाले लेकिन सबसे पहले आप खुद नोटिस करेंगे ठीक है एक है एक एनर्जी पहला एलिमेंट था एनर्जी दूसरा एलिमेंट फोकस तीसरा क्लैरिटी चौथा ड्राइव पांचवा मोमेंटम और छठा पर्पस क्लियर है जी तो अभी मैं जस्ट आपको टाइप्स बता देता हूँ रिपोर्ट के ये देखिए ये जैसे एक आपको जो रिपोर्ट मिली उसमें इस तरीके से आपका टाइप दिया वही होगा एग्जाम्पल रिपोर्ट है ऐसे चार रिपोर्ट होती है सर्वाइवर है जीरो से पच्चीस परसेंट पोटेंशियल पे जीने वाले सोल्जर पच्चीस से पचास पे वॉरियर पचास से फिफ्टी से सेवेंटी फाइव और जो सुपर हीरो है वो सेवेंटी फाइव से हंड्रेड के बीच में ठीक है तो हमारा प्रयास क्या है जनरली हम फ्लक्चुएट करते रहते हैं किसी दिन सर्वाइवर होते हैं किसी दिन सोल्जर होते हैं किसी दिन सुपर हीरो अच्छी खबर मिल गई तो हम फ्लक्चुएशन में ज्यादा रहते हैं बट हमारा एक डोमिनेटिंग टाइप रहता है तो ऑन एन एवरेज मैक्सिमम टाइम रहता है तो हम पूरे कोर्स में प्रयास करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा सुपर हीरो कैटेगरी में आने लगे ठीक है सुपर हीरो में आपकी एनर्जी भी हाई होगी पर्पज भी देखिए सर्वाइवर की सोल्जर में क्या है एनर्जी लो है परपज लो कॉग्निशन लो न्यूट्रिशन लो ड्राइव लो लेकिन आप जैसे जैसे सुपर हीरो में कन्वर्ट होंगे ये सभी चीजें आपकी हाई मेजरमेंट की साइड पे आने लगेगी ठीक है सो so, जिसको अगर रिपोर्ट नहीं मिली हो तो आप टीम से कॉन्टेक्ट कर लेना तो पहले ही रिपोर्ट में आपको असेसमेंट मिला होगा एक वो असेसमेंट आप भरोगे उसके बाद में रिपोर्ट जनरेट होगी और फिर वो रिपोर्ट टीम आपको भेजेगी ठीक है तो चलिए आज की क्लास से क्या लेके जा रहे हैं आज इतना ही रखते हैं आज यही समाप्त करते हैं तो मेन क्लास में अब आप लोगों से मुलाकात होगी ठीक है

new perspective. आप सब लोग इंस्टाग्राम पे मेरे से कनेक्टेड हैं बी कनेक्टेड ऑन इंस्टाग्राम ठीक है ताकि पॉडकास्ट वगैरह कुछ भी हो ठीक है आपको आ जाएगा तो पे कनेक्टेड रहे मोस्टली आई एम एक्टिव ओनली ऑन यून इंस्टाग्राम ठीक है इंस्टाग्राम पे एक्टिव on मैं रहता हूँ पर्सनली मैं एक्टिव रहता हूँ बाकी मेरी टीम हैंडल करती है बाकी सारी चीजें फाइव एम का बोनस लिंक टीम से आप बात करें दे विल प्रोवाइड यू द बोनस लिंक कम्युनिटी की वो पहले एक्सेस देंगे और आपको सभी क्लासेस की लिंक रहेगी ठीक है चलिए जी तब तो तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू एवरीवन